नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे रोबोटेक चैनल पे। तो आज मैं एक मल्टीमीटर ख़रीदा हूँ, तो उसी की मैं अनबॉक्सिंग करूँगा आज। तो इसका नाम है, आप देख सकते हैं, यूनिटी 266 क्लैंप मल्टीमीटर। और इसमें फ्यूज़ एंड डायोड प्रोटेक्शन भी है, बहुत अच्छा चीज़ है ये, फ्यूज़ और डायोड प्रोटेक्शन। ये मैंने चांदनी, मेरा हम लोग का कलकत्ता में चांदनी मार्केट बोल के एक मार्केट है, मैं उधर से ख़रीदा हूँ। इसका दाम लिया शायद 380 रुपया दाम लिया इसका, कम दाम में मिल गया मेरे को, इसलिए मैं परचेस कर लिया। ये मेरे को चाहिए था, इसके मैं अनबॉक्सिंग करते जा रहा हूँ। इसके अंदर एक काला सा बैग भी है, इसके अंदर ये मीटर है। इसमें क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। तो ये तो ये यूज़र मैनुअल है मीटर का, इसमें कैसे कौन सा क्या है, इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे काम करता है ये मीटर, उसके बारे में सब लिखा है इधर। आप लोग अगर कभी भी खरीदे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं तो जानता हूँ कैसे काम करते हैं या नहीं, तो चलिए साइड में रखते हैं। ये है इसका मीटर पैकेट में, तो ये है वो मीटर, क्लैंप मीटर। तो पहले इसका बैटरी लगा लेते हैं, इसका 9 वोल्ट, इसका जो बैटरी लगता है वो 9 वोल्ट के होते हैं। कंपनी ने तो घटिया सा एक बैटरी दे दिया है, कोई बात नहीं, जो फ्री में मिलता है घटिया हो और अच्छा हो, फ्री में जो मिलता है वही अच्छा है। वैसे नहीं खुल रहा है, दूसरा स्क्रू लगाना पड़ेगा। खोल दिया, पीछे का एक ढक्कन है उसका खोलना पड़ेगा। पर ये बैटरी कनेक्टर है तो इसको लगाना है, इसको लगाने का कोई मतलब इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैच करके लगाना पड़ेगा। ये जो इधर है दिख रहा है आपको, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, जस्ट पुश कर देना पड़ेगा और अपने आप लॉक हो जाएगा। फिर इसको अच्छा से साइड में जैसे लगा के अंदर बैठा के, चाहे तो अंदर घुसा के फिर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर से स्क्रू लगा दीजिए, स्क्रू नहीं लगाइएगा तो ये खुल जाएगा, आपका बैटरी बाहर आ सकेगा, उसका जो बैटरी का वायर है वो टूट सकता है। लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। इसके साथ एक चेक करने का प्रॉब दिया है लाल और ब्लैक करके, तो इसे काला वाला जो प्रॉब है, काला वाला प्रॉब मीटर के इधर साइन दिया है। कॉमन वाला जो मतलब कॉमन वाला जो पोर्ट है उसी में काला वाला पोर्ट लगाना है आपको, और लाल वाला पोर्ट आपको लगाना है जो इधर भी करके लिखा है और ओम्स का साइन दिया है, उधर ही लगाना है। तो ये लग गया। तो इसमें फिलहाल क्या क्या काम होता है, इसमें सिर्फ एम्पेयर चेक कर सकते हैं, 200 से लेकर 1000 एम्पेयर तक आप चेक कर सकते हैं। और इसमें और एक अच्छी चीज़ दी है, वो है इसकी खास चीज़ है वही एम्पेयर चेक करना, मतलब मेन इसका काम है एम्पेयर चेक करना, मतलब वो भी दिखाएंगे आप कैसे एम्पेयर चेक करते हैं। और एक चीज़ दी है जो कि मतलब मेरा जो एक मेरा दूसरा एक मल्टीमीटर है वो दिखाता हूँ इसको। ये जो मेरा मल्टीमीटर है तो
तो इसमें इससे भी बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें भी एम्पेयर दे सकते हैं, लेकिन इसमें 10 एम्पेयर तक भी हम देख सकते हैं, वो भी प्रॉप लगा के हमको सीरीज में चेक करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जब हम इसका एम्पेयर देखेंगे, किसी भी मतलब कोई भी लैंप हो, लाइट हो, मतलब ज़्यादा एम्पेयर लेता है, 1 एम्पेयर से ज़्यादा लेता है, ऐसा कुछ चीज़ है 1 एम्पेयर से ज़्यादा लेता है, तो उसका तार में जस्ट ये फंसा देना पड़ता है, जैसे कि ये दिखा रहा मैं आपको ठीक से। तार कहाँ है, तार कहाँ है, जैसे कि ये 2 वायर है, तो 2 वायर से एक लाइट जल रहा है, मान लीजिए ये लाइट जल रहा है अभी, तो इसी, सॉरी गाइस थोड़ा फ़ोन आ गया, चेक कर लेते हैं फ़ोन किसका है, सॉरी दोस्तों एक फ़ोन कॉल आ गया था इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो मैं बोल रहा था, ये जो मेरा पीला वाला मल्टीमीटर है, तो इसमें डीसी वोल्ट 200 मिलीमीटर मतलब 200 मिली वोल्ट तक लेके 1000 वोल्ट तक आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसमें। और एसी वोल्ट जो है, एसी वोल्ट आप 750 वोल्ट से लेकर मतलब 750 वोल्ट से मैक्स है, 750 वोल्ट का वोल्ट का ऊपर में आप देखेंगे तो इसका फ्यूज हो जाएगा, मतलब फ्यूज उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये मीटर। और इसमें डीसी का एम्पेयर चेक करना है तो बहुत ही मतलब माइक्रोफैरड एम्पेयर है, मतलब मिली एम्पेयर में देख सकते हैं, 200 मिली से लेकर 2000 मिली तक, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। और इसका एम्पेयर जो है, इसी एम्पेयर 10 एम्पेयर से देखते हैं, वो भी सीरीज लाइन में। और जो मैं ये बोल रहा था कि इसमें कैसे देख सकते हैं, ये जस्ट क्लैंप कर देने से इसका एम्पेयर दिखाएगा, आपको सीरीज में चेक करने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए 2 तार है, इसमें लाइट जल रहा है, तो इसको एक तार में ऐसे फंसा दीजिएगा तो इसका एम्पेयर इधर दिखा देगा मीटर में कितना एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। वो भी मैं ऑनलाइन में आपको दिखा दूंगा कैसे एम्पेयर दिखाता है, कितना एम्पेयर दिखा दूंगा, अभी एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ठीक है। और इसमें जो है, और एक बात, इसमें मैंने जो बोला इसके एक ख़ास बात है वो दिया है, वो मेरे को पसंद आया। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2000 किलो ओम्स तक ही दिखाता है, मेगा ओम्स इसमें दिखाता नहीं है। तो इसमें ही वो जो मेगा ओम्स दिया है, 20 मेगा ओम्स लेकर 2000 मेगा ओम्स का मैं रेजिस्टेंस चेक कर सकूंगा इसमें, मतलब इस मीटर में किलो ओम तक मैं दिख सकूंगा, मेगा ओम मेरे को शो नहीं करेगा। तो इसमें किलो ओम भी दिया है और मेगा ओम भी दिया है, ऐसी इसका ख़ास बात है एम्पेयर चेक करना, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है मेगा ओम का। और इसमें बजर मोड भी है, मतलब डायट मोड, डायट इससे भी आप डायट भी चेक कर सकते हैं, बजर मोड में आवाज़ होता है, लोगों को पता था। सॉरी इधर तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन दिया है बजर मोड का, काम नहीं कर रहा है, बजर मोड का साइन दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा, क्यों? बजर मोड ही है ना, मैनुअल थोड़ा देख लेता हूँ। सॉरी इसमें बजर मोड नहीं है, इसमें जो रेजिस्टेंस का चेक करने का मतलब इधर लिखा है, कहाँ गया, अभी तो देखा था इधर का, हाँ। बहुत ही मुश्किल हो रहा है वीडियो करने, बार बार मेरे को कॉल आ रहा है काम के लिए, इसलिए मेरे को वीडियो पॉज हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, इसलिए हमको दिखाने में मुश्किल हो रहा है।
ठीक है, आपको दिखा दे रहा है शॉर्टकट में, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो इसमें जो बजर मोड का मैं ऑप्शन बोला, तो बजर का ऑप्शन एक्चुअली साइन दिया है वो है 20 ओम से नीचे। अगर कोई रेजिस्टेंस चेक करेगा आपको, तो वो ओम्स नहीं शो करेगा आपको, वो बजर मोड में आपको एक तो आवाज़ होगा ऐसे, जैसे मेरा मल्टीमीटर में आवाज़ होता है वो दिखा देता हूँ, ऐसा आवाज़ करेगा। 20 ओम का नीचे में रहेगा तो ऐसा आवाज़ करेगा। बाजार मोड इसमें दिया है मतलब वो रेजिस्टेंस के लिए, मतलब 20 ओम्स के नीचे कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो आपको वैल्यू नहीं शो करेगा, वो बाजार मोड मतलब कि साउंड बीप करेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये 20 ओम्स का नीचे है, तो उसे चेक करने के लिए दूसरा मल्टीमीटर आपको लगा के दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, जो बोल रहे थे एम्पेयर कैसे चेक करते हैं, इसको आप एम्पेयर का इधर डायल को घुमाइए, एम्पेयर में रखिए, ये एम्पेयर तो मैं 1000 में ही रखता हूँ, 1000 में तो कुछ नहीं है मेरा इधर चलने वाला, मैं 200 में ही रखता हूँ। 200 में रख के ये मैं प्रॉप खोल लेता हूँ पहले, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो मेरे पास एक सीरीज लैम्प का कनेक्शन है, तो उसी में मैं चेक करके दिखा रहा हूँ किसका एम्पेयर शो कर रहा है कि नहीं। ये भी मेरा 200 वाट का लाइट जल रहा है, आप देख सकते हैं इधर इधर जो रोशनी आ रहा है वो 200 वाट का मेरा लाइट चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एम्पेयर दिखाता है इसमें। ये सब पकड़ा, इसमें लगाया, देखिए इधर शो कर रहा है 0.5 मतलब हाफ वाट, सॉरी हाफ एम्पेयर ले रहा है, मतलब 0.5 एम्पेयर 200 वाट का बल्ब में ले रहा है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, कोई भी किसी चीज़ का एम्पेयर चेक करना होगा तो ऐसे ही आपको चेक करना है, जस्ट तार को ऐसे रखना है। और एक ऑप्शन दिया है आपको, जहाँ पर अगर इस मतलब मीटर को होल्ड करना है, मतलब होल्ड करना मतलब आपको कुछ जगह में लिखना है या लिख कर रखना है, तो ये तो आपको ऐसे रख दीजिएगा तो मतलब रखने का जगह नहीं होगा, तो होल्ड कर लीजिएगा इसको तो ये स्टॉप हो जाएगा उधर ही। देखिए अब मैंने हटा दिया, ये स्टॉप हो गया, फिर अब ये होल्ड को दबाएंगे तो ये 0.0 पे आ जाएगा। फिर से दिखा रहा हूँ, ये मैंने लिया, ये दिखा रहा है, मैं हटा लिया, ये 0 हो गया। फिर मैंने लगाया, ये आया होल्ड का जो बता मैं इधर, ये होल्ड का बटन है, होल्ड कर लीजिए एक बार, दबा दीजिए फिर छोड़ दीजिए, ये होल्ड रहेगा। तब आप किसी जगह पे लिख कर रखेंगे इसका इतना एम्पेयर है, तो फिर होल्ड का दबाव दबा दीजिएगा तो ये 0.0 हो जाएगा। तो चलिए तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। बल्ब जल के तो मेरा तो प्लास्टिक जलने लग गया, तो मैंने नहीं देखा, देखिए कैसे आग लग गया है इसमें। 200 वाट का लैंप जल रहा था, मेरा प्लास्टिक का उधर जो था सारा जल गया, अभी इधर से धुआं निकल रहा है, देखिए उधर मेरा प्लास्टिक जल गया। इस साइड में रखता हूँ, पहले आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो मेरा प्लास्टिक है वो पूरा पिघल गया। तो आप लोग सावधानी से काम कीजिए, नहीं तो मेरे जैसा जल जाएगा ऐसा। तो इसे मैं बुझा देता हूँ, मैंने देख लिया धुआं उड़ा था, नहीं तो इससे भी बड़ा आग लग सकता था, लेकिन आप लोग ध्यान से कीजिएगा। चलिए थैंक यू, इधर ही वीडियो का ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल या सुझाव चाहिए
तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए मेरे को, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।